और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा कि पीनू चैलेंज हार गया था, उसने मेरे को बोला था कि बाद में चॉकलेट देगा, तो आज वो चॉकलेट लेकर ही आएगा। क्यों पीनू? हाँ, शाम को ट्यूशन से पढ़ते वक्त जब ट्यूशन से आऊंगा ना तब लेके आऊंगा। हाँ, तो ये कह रहा है ट्यूशन से आते समय मेरे लिए चॉकलेट ले आएगा। तो अभी का सीन ये है, पीनू गेम खेल रहा है, मैं अभी व्लॉग ही बना रहा हूँ। तो सुबह के अभी बजे 10:30। मेरा सुबह पेपर था। हाँ, इसका सुबह पेपर भी था, तो इसने आज कर भी दिया। स्टार्ट करना भूल गया। आज मैं सुबह मैं व्लॉग अपलोड करके थोड़ा सुस्त हो गया था, क्योंकि आज कंधे में बड़ा दर्द हो रहा है। अभी रिटर्न वर्क कर रहा था, अभी थोड़ा सा काम कर रहा है स्कूल का, अभी अभी उठा। तो चलो अब मिलता हूँ आप सबसे थोड़ा सा फ्रेश और नहाने के बाद। अभी हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट आज बहुत अच्छा बनाया था मम्मी ने। तो अब पीनू अपनी क्लास करेगा और पीनू वैसे आज लास्ट की क्लास है। लास्ट, और आज मेरे को बहुत खुशी है, मेरे भाई मेरे को आज चॉकलेट देगा। वैसे कभी दी नहीं है क्या? नहीं दिया आज तक इसने मेरे को, कभी कुछ नहीं दिया है, कभी कुछ नहीं दिया इसने मेरे को। मार रहा मेरे को ये, देखो देखो सबूत है, मेरी गर्दन पकड़ के मारता है। गर्दन पकड़ के नहीं, अब देखो अब छोटा बड़े को मारेगा तो बड़े का भी गुस्से में कुछ ना कुछ हाथ हाथ तो उठ ही जाता है। तो चलो मैं आप सबसे मिलता हूँ, थोड़ा सा काम है वो निपटा के मिलता हूँ आपसे। अभी मैं और मम्मी वापस आज छत पे जा रहे हैं कपड़े सुखाने, क्योंकि आज भी धूप ज़्यादा निकली हुई है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए मैं और मम्मी मिलते हैं आपसे छत पे। मैं और मम्मी छत पे से कपड़े सुखा के अभी आ चुके हैं, और छत पे तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन थोड़ा सा धूप धूप में जाना भी चाहिए, विटामिन डी मिलता है उसके लिए। तो चलो अभी मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा बाद में। तो मैं कपड़े लेने के लिए छत पे आया था मम्मी के साथ। आप बहुत धूप हो रही है अभी दोपहर में, तो देखो मैं तो धूप से यहाँ खड़ा हो गया हूँ थोड़ी देर से। बहुत बढ़िया तरीका, आप भी कभी अपनाना ये। अरे बस, तो अभी मैं छत से कपड़े लेके आ चुका हूँ और मेरे को आ रही बहुत तेज नींद, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आप सबसे मिलूंगा। सारांश, हाँ, इतने दिनों बाद इसकी याद, बेचारे को तुमने थोड़ा सा धूप हवा पानी दिखाने की कोशिश की। अरे नहीं, जो कि इतने टाइम से तुमने इसको इतने दिन से बंद पड़ा था, तो मैं सोचा थोड़ा ट्रायल ले लूं, देखूं बचता भी है कि नहीं। अरे आप तो इतना अच्छा बजाते हो ये, तो आप लोग जरूर जाके बताना है कौन सा गाना है, मैंने बहुत दिनों बाद ट्राई करा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, आगे और भी है। अभी मैंने पियानो भी बजा लिया अपना, और मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं सो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, मैं आपसे मिलूंगा छत पे। अभी नब्बी आ रहे हैं अभी। छत पे एनी चली गई है और अभी ना भैया भी आ चुके हैं। अरे बाप रे, मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा एक साल के अंदर, ये मैं चैलेंज लेता हूँ। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, फिर भी हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन चैलेंज लेने में क्या जा रहा है। ऋषि लेट हो चुका है एज यूजुअल, पता नहीं कब आएगा। चलो उसके आने का वेट करते हैं।
तो अभी पीनू मेरे को ले जा रहा है चॉकलेट दिलाने, जैसे कि हमारी बात हुई थी कल के व्लॉग में जो पीनू हार गया था। कल के व्लॉग में बात भी हुई थी कि आधी मैं भी खाऊंगा। नहीं मैं इसे, लेकिन इसने मेरे को आज अभी रात में चॉकलेट दिलाने ले जा रहा है, सुबह सुबह नहीं थी तो मैं इसे, मैं इसकी आधी में से एक पीस कम करूंगा, वो एक पीस मैं दूंगा मम्मी को। चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ दुकान पे। हम लोग चॉकलेट ले आए हैं 40 वाली, लेकिन अभी ये मेल्ट हो रही है तो पहले से फ्रिज में रख के मैं तब खाऊंगा, पीनू को नहीं दूंगा एक भी। किधर है आज भी मैं एक्सरसाइज करूंगा, थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आज पीनू भी करेगा तो चलो करते। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पीनू भी थक गया हूँ तो टीवी चला के बैठ गया, तो अभी चलो मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ फ्रेश हो जाएगा, और आज शरीर में बहुत दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद, तो चलो मैं आपसे से मिलता हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। अभी मम्मी जी ने खाने में बना दिया है चिवड़ा, मेरे को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो बिना किसी देरी के अभी से खाते हैं। मैं और पीनू मम्मी हम तीनों डिनर कर रहे थे और हमें एक अचानक से बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला, पापा आ गए देहरादून से, और पापा सिर्फ आए नहीं हमारे लिए कुछ लेकर भी आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पापा हमारे लिए मिठाई लेकर आए हैं, कौन सी मिठाई है ये? बालूशाही, इसे कहते हैं बालूशाही, बहुत बढ़िया है, खा के दिखा दे। बहुत टेस्टी करने के बाद मैं तो बालूशाही ले आया हूँ, मैंने तो खा ली, मैंने तो खा ली वो, लेकिन उसका एक बालूशाही का साइज बहुत बड़ा था इसलिए मैं आधी लाया हूँ अपने लिए। मैंने तो मैंने भी इसने जो आधी ली थी वो आधी मैंने खत्म कर दी। हाँ हम दोनों आधी आधी खा ली, बहुत ये भी खाएंगे, अब वो चॉकलेट भी खाएंगे जो पीनू लेकर आया, वो तो लेकिन रात में खाएंगे, रात में मज़ा आएगा, रात में पक्का। आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस को बालूशाही पसंद है और किसको चॉकलेट पसंद है। देखो मैं तो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मेरे को ये मतलब मैंने आज तक कभी खाई नहीं बालूशाही, लेकिन मेरे को ये बहुत पसंद आई, आप भी जरूर ट्राई करना। पापा आ गए आज, ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, बालूशाही लाए वो भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। तो अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की, मैं इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आज एनर्जी चली गई है भाई पता नहीं कैसे। और जो ये डेरी मिल्क हम लोग अभी लेकर आए हैं वो मैं रात में जब सब लोग सो जाएंगे मैं चुपचाप से खा लूँगा, कोई बात नहीं भैया, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं रात में सोता रहा तो मैं कल सुबह ही खा लूँगा। तो चलो अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को भी प्रेस करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बोल लूँगा तो तब तक ले, और मेरे बच्चों को सपोर्ट करना ढेर सारा प्लीज। तो चलो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय बाय।